राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणैति नामिने श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः सयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुष महांतं नारायणं स्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनि नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिनि श्रीभार्षभानवि देवी दैताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौरगीश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्ति विनदाय सचिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवाविर्भावमिष्टं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, हिंदी वाला भजन गुरु जी का सब लोग समझ पाएंगे ना। गुरुदेव कृपा करके हे गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। सभी लोग बोलिए हे गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। हे गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी
Yeah.
Thank you.
Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sati Gora Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sati Gora Nitai Gorango, 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 Nitai Gorango,
जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, भज केशव कलिमल हारी, जय केशव कलिमल हो, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, भूकल सोहे वैजयंती माला, गल सोहे वैजयंती माला, या ओ
बोलो राधे 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 राधे।
हरे कृष्णा हरि बोल हरि गुरु। हाँ एक बार सबके सब अगर हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरि बोल। अभी प्रभु जी ने बड़े सुंदर भजन गाए हैं और उन्होंने भगवान का नाम कीर्तन उन्होंने किया है। हमारे भागवत में नाम कीर्तन की बड़ी महिमा होता है, इसलिए भागवत में एक श्लोक आया, श्री स्वर्णकाद ऋषि ने सुतो गोस्वामी को प्रश्न किया, उसमें छह प्रश्न था, छह प्रश्न में एक प्रश्न था कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि जब तक जीव भगवत प्राप्त नहीं करता है, भले ही दुनिया की जितने ऐश्वर्य दुनिया की जितने वैभव को प्राप्त कर ले, जीव कभी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, कहते तो भगवान से विमुख हो करके जगत में, लेकिन हमारा क्या धारणा है, शायद ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे। अगर ज्यादा पैसा कमाने पर सुखी होते सबसे पहले ज्यादा सुख ब्राह्मणों को, आपके पास में कितना पैसा होगा, बोलो कितने सोना चांदी और हीरे जवाहरात होगा, 10 किलो 20 किलो 50 किलो, जिसका पूरा लंका ही सोना ही सोना, उसका पूरा लंका ही सोना को सोना पूरा, लेकिन सोचते हैं कि अच्छी छोरी से शादी हो जाए सुखी हो जाए, नहीं तो रावण सबसे ज्यादा सुखी होता, उसका पत्नी का नाम ही मंदोदरी, पहले बताया था ना मंदोदरी मतलब क्या है, मंदर मतलब होता है पतली, उदर मतलब जिसे कमर, वो विश्वकर्मा की बेटी थी उस समय, मिस यूनिवर्स वो थी, उसकी बराबर सुंदरी जगत में कोई नहीं था, इतने सुंदर स्त्री कौन थी, मंदोदरी इतना सुंदर थी। सोचते हैं अच्छा छोरा जन्म ले लिया ना, कोई आज्ञाकारी बच्चा जन्म ले लेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, उसका बेटा का नाम ही मेघनाद इंद्रजीत है। रामायण देखे हो, कौन कौन रामायण देखे हो, आप सब देखे हो, जब मेघनाथ को पता चला उन्होंने लास्ट में तीन अस्त्र प्रयोग किया लक्ष्मण का प्रति, एक ब्रह्मास्त्र एक पाशुपत अस्त्र और एक नारायणी अस्त्र, जो अचूक है, जो अचूक था वो मरेगा ही, लेकिन देखा कुछ नहीं हुआ, वो सबके सब लक्ष्मण को प्रणाम कर गई, गायब हो गया। उसको पता चला भैया ये भगवान है, ये भगवान है, इसलिए जाकर के उन्होंने कोशिश किया समझाने के लिए दशानन को रावण को, ये नर नहीं ये नारायण है, ये नारायण मेरा अनुभूति कह रहा है ये नारायण है, क्योंकि जो अंतिम जो तीन अस्त्र जिसका कोई अचूक है, लेकिन उनको प्रणाम करके कहीं गायब हो गया, इसलिए ये नारायण है। लेकिन रावण ने बोले दो छोकरे कहां से आ गए, कहते इनको तुम भगवान कह रहे हो, दर दर भटक रहे हैं वन में, तो उसको भगवान कह रहे हो, लेकिन ये मेरे अनुभूति कह रही है, लेकिन उसको पता है ये मेरे को मारेगा, क्योंकि जो तीन अस्त्र नहीं मार पाया उसका मरेगा, लेकिन पिताजी की सेवा के लिए उसने खुद मरा, प्राण त्याग दिया, मतलब इतने आज्ञाकारी वो बच्चा था, इतने आज्ञाकारी। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, इसलिए उन्होंने सात उदाहरण देकर समझाए, उन्होंने सात उदाहरण किया दिया, कहते बारी मत है ग्रीत सिकता ते बरुते, अगर कोई बोले हमने पानी को मंथन करते करते हमने घी निकाल दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते असंभव है, लेकिन उसको मैं मान सकता हूं, भले ही तुमने कभी पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया मैं मान सकता हूं। अगर कोई सोचे मैंने रेती पीस पीस करके तेल निकाल दिया, रेती से तेल निकालता है, कहते अभी मैं मान सकता हूं। अगर कोई सोचे बोले आकाश में फूल खिल रहा है, आकाश में फूल मिलता है, कहते ये भी मैं मान सकता हूं। कोई बोले कछुए के पीठ के ऊपर बाल आ गया, ये असंभव, ये भी मैं मान सकता हूं। कोई बोले बांज का बेटा हो गया, बांज का तभी तो बेटा नहीं हुआ है, बोले अगर कोई बांज का बेटा हो गया बोले ये भी मैं मान सकता हूं। अगर कोई बोले खरगोश का सींग आ गया, कोई होता ही नहीं, बोले ये भी मैं मान सकता हूं। हैं? लेकिन अगर दुनिया में कोई बोले हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते, भजन भजन कुछ नहीं करते, लेकिन हम तो बड़े आराम में हैं,
गोस्वामी जी कहते हैं ये कभी मैं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि जिसने दुनिया बनाया वो खुद कह रहा है दुखालयम असाशतम, वो खुद कह रहे दुख का घर है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटे से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई तन से दुखी, दुखी दुखी जिसने बनाया खुद कह रहे दुख का घर है, अब तू कह रहे हो हम सुख में रह रहे हो। हाँ, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हाँ सुख में रहोगे अगर जितने प्रभु का भजन करोगे ना उतना ही सुखी रहोगे, और जितने भगवान से दूर रहोगे उतना दुखी रहोगे, उतना ही दुखी रहोगे। इसलिए उनके दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के ऊपर सुख शांति मिलेगा नहीं। इसलिए हनुमान जी का नाम जानते हो, कौन कौन सुना, उसने पूरा लंका जला करके राग बना दिया। एक आश्चर्य प्रश्न है, आप बताओ लंका किस चीज में बनी हुई थी, सोने में कभी आग लगती है, आप लोग सोने में कभी आग पकड़ता है, लेकिन हनुमान उसने क्या किया कहते लंका को जला करके राख बना दिया उसने, सोने में भी आग लग गई, सोने सोने को भी आग नहीं लगती है, लेकिन वो सोने को भी उन्होंने जला करके राख बना दिया, लेकिन केवल एक व्यक्ति का घर उसने छोड़ दिया। किसका घर छोड़ दिया था, बोले क्यों, क्योंकि उसने प्रभु राम की शरण में आया। हनुमान कौन, वो शंकर है, शंकर कौन है, संहार करता, शंकर क्या करते संहार करता, शंकर जी दुनिया को शिक्षा देते भैया अगर मेरे प्रभु का शरण में आओगे ना केवल तेरे घर ही में छोड़ दूंगा, नहीं तो अगर सोने में भी घर क्यों नहीं बना हुआ हो जला करके मैं राख कर दूंगा, उसको मैं राख बना दूंगा, अगर मेरे प्रभु की शरण में आओगे तो केवल बच पाओगे नहीं तो बच नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर उनका प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, तो इसका उत्तर में श्री सुतो तो गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनां नृपनिर्णित हरि नामानुकीर्तन। कहते भगवान कलियुग में सबसे सरल उपाय रखा, जानते हैं कलियुग का जीव इतना कष्ट कर ही नहीं सकता है, इसलिए ठाकुर जी सबसे सरल उपाय रख दिया, भगवान की नाम कीर्तन करो, भगवान की नाम कीर्तन करो, क्योंकि भगवान के नाम कीर्तन में कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कष्ट नहीं, कोई परिश्रम नहीं प्रभु का नाम में। इसलिए बोले एतत् निर्विद्यमानानां, कहते ये नाम को करने वाले कौन है, कौन कौन नाम को करने वाले, कोई बोले भैया हम संसार में फंसे हुए ना इसलिए तो प्रभु का नाम करें, बोले नहीं जो मुक्त महापुरुष है वो प्रभु का नाम जप करते हैं। आप शंकर जी का नाम जानते हो, कौन कौन शंकर जी का नाम जानते हो, आप जब जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले महामंत्र जे जप तमहेशा काशी मुकति है तो उपदेशा। इसलिए महामंत्र जे जप तमहेशा शंकर जी पंचमुख में बोले पंचमुख राम नाम कान त्रिपुरारी, शंकर स्वयं प्रभु का नाम स्वयं जप करते हैं। बोले माता पार्वती हैं, अब देखना माता शंकर कभी कभी माता पार्वती को गोद में बैठा लेते हैं। अब सुने होंगे रामायण भागवत कथा सुने होंगे, जब चित्रकेतु जा रहे थे उन्होंने देखा संतों को उपदेश दे रहे हैं शंकर जी लेकिन पत्नी को गोद में बैठा करके, इतने में चित्रकेतु ने बोले भैया पत्नी को तो एकांत में गोद में कोई बैठा दे, ये भरी सभा में संतों को उपदेश दे रहे हो और पत्नी को लेकर गोद में बैठे क्यों, शंकर की आज्ञा नहीं है पत्नी को लेकर सबके सामने गोद में बैठ जाएंगे, बोले क्यों, उसका कारण गोस्वामी जी कहते हैं कहते अगर कोई प्रभु का एक बार नाम जप करे राम कृष्ण नाम कोई ले, कहते अगर कोई ले ना शंकर जी दूर से उनका प्रणाम करते, और माता पार्वती एक बार शंकर जी से पूछे बोले प्रभु किसकी नाम जप करनी चाहिए किसकी भजन करनी चाहिए, शंकर जी बोले पार्वती बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अविस्तुल्यम श्री राम नाम बरारने। हे सुंदरी पार्वती जो व्यक्ति विष्णु सहस्र 1000 विष्णु का जो नाम लेते हैं उसमें जो फल मिलता है अगर किसी ने एक बार श्री राम का नाम ले लिया
उसको वही फल मिलता है। तब से देखना माता पार्वती के आठ हाथ में देखना एक माला है, एक माला उसकी हाथ में। इसलिए पार्वती दिन रात प्रभु का नाम जप करते हैं। शंकर जी इसमें गोद, इसलिए गोद में बैठा है, जो एक बार प्रभु कृष्ण नाम का नाम करे ना, शंकर जी दो सब उनको प्रणाम करते हैं। और जो हर समय प्रभु का नाम जप करे, इसलिए शंकर जी कहते वो नीचे बैठने का योग्य नहीं, मेरे गोद में बैठने का योग्य है। इसलिए शंकर जी पार्वती को नियम नहीं, सभी को सामने पत्नी को थोड़ी गोद में बैठाते, लेकिन तब भी शंकर जी पार्वती को क्या अज्ञानी है नहीं, वो देव देव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी। इसलिए शंकर जी कहते जो व्यक्ति मेरे प्रभु का नाम हर समय लेते हैं, मैं उसको कहाँ बैठाता हूँ, उसको मैं अपना गोद में बैठाता हूँ। हनुमान जी क्या कहते हैं, भले सुमीरी पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राख रामो। उसने हनुमान जी के वाला प्रभु का पवित्र नाम को ले लेकर के भगवान को अपना वशीभूत कर दिया। हनुमान जी हैं भगवान को रिद्धि सिद्धि के दाता, कितना हनुमान के वो नाम सुनाए, भूत पिशाच निकट नहीं आए। क्यों, कारण क्या है, कारण है वो दिन रात हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता। दिन रात प्रभु का नाम जप करते हैं। इसलिए इसलिए जगत में सारा दुनिया में बंदरों को पूजा करता है। कोई बंदर घर में घुस जाए ना, बोले भैया घर अपवित्र हो गया दो डालो, लेकिन घर घर में बंदर की पूजा कर रहे। कारण क्या है, केवल प्रभु का नाम की प्रभाव और कुछ नहीं। गणेश जी का नाम कौन कौन जानते हो, सब जानते हो। सबसे पहले गणेश जी की 33 कोटि देवता में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। बोले क्यों, कारण क्या, बोले एक समय सारे देवता हमें मिटी हुई। क्या मीटिंग हुई, सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, बोले ये ब्रह्मांड को जो पहले परिक्रमा करके पहले आ जाएगा ना, उसकी पूजा सबसे पहले होगी। बस ब्रह्मा अपना हंस बाण लेकर ऊट पड़े, और कार्तिक का बाण कौन सा, मोर चढ़कर चल पड़े सारे अपना अपना बाण। देखो अभी भारत में मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर बने ना, कितने लड़ाई झगड़ा, कितने पार्टी अलग अलग, केवल भारत में और विश्व ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजा हुई, तो कोई साधारण बात है। इसलिए सब अपना अपना बाण लेकर चल पड़े, जी जान लेकर के, भले पहले मैं आ जाऊंगा तो पहले मेरी पूजा होगी। अभी गणेश जी कहाँ जाएंगे, गणेश जी का बाण कौन है, चूहा, अभी चूहा को लेकर जाएगा। इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे है, जो पहले ये ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आ जाएगा उसको पूजा पहले होगी। बोले तुम क्या कर रहे हो, बोले अभी मैं चूहा को लेकर कहाँ जाएगा, बोले एक काम करो, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का। एक काम करो, भगवान का नाम लिखो, भगवान का नाम लिख कर उसको तीन बार परिक्रमा कर लो। वो तो पता नहीं कितने दिन में परिक्रमा करके आएंगी, मगर एक एक बार नहीं, क्योंकि भगवान को अंदर में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान। तुम्हारी तीन तीन बार परिक्रमा हो गया, सारे देवता कितने सालों में पसीना आने तरबर हुए आए, मीटिंग हुई, सबसे पहले कौन आया, किसने कहा मैंने, तेरे से पहले मैंने आ गया था, किसने कहा तू देखा नहीं, तेरे से पहले मैं आया। गणेश जी बोले सब चुप रहो, पता नहीं कितने दिनों में ब्रह्मांड को तुम परिक्रमा करके आए हो, मैं तो एक मिनट में अनंत करोड़ ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा की। सब लोग तो ठाल से, चूहा जिसकी बाहर जाग था बैठा हुआ, बोले अनंत कोटी एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटी ब्रह्मांड को तीन तीन बार परिक्रमा की। वाह, जब उन्होंने भगवान के नाम की व्याख्या की, हरि से बड़ा हरि का नाम, जय जयकार हो गई उनकी, जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महिमा जासु जान गन राहु प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। गणेश जी की जो सबसे पहले पूजा होती है, केवल एक कारण है, महिमा जासु जान गन राहु, किसकी, बोले प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव, केवल नाम के प्रभाव से दुनिया में उनकी इतना पूजा हो रही। इसलिए नाम के इतने महिमा है। अब लोग तो भारतीय, अब तो सब पता है, भले ही जिंदगी में जो कुछ करना करो,
जिसको पूजा करना, जो कुछ जिंदगी में करना जिंदगी में करो, लेकिन जब अंतिम समय आता है ना, शरीर छूट जाता है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना। कोई बोलता है तेरा बीवी सच्चा, ना बेटा सच्चा, दुनिया मकान सच्चा, बोले सब कोई बात झूठा है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले भैया जितने प्रभु का नाम जप किया है ना, हरिनाम किया है, वही जाना है, और जो कुछ किया है सब यही रख करके जा रहे हैं। इसलिए अभी प्रश्न है, अभी हरिनाम को कौन कर सकता है, अभी इतना नाम सुने है ना, लेकिन हम इधर सुनकर इधर निकाल कर चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, यहीं पर पल्लू झाड़ कर चले जाएंगे, कथा खत्म, हम भी खत्म हो जाते हैं, कथा खत्म, हम भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए एक हिंदी में भजन है, कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। आ माला जपी थी गौरा माई, माला जपी थी गौरा माई, अब मिल गया जप करवाला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी मेरा भाई ने, माला जपी थी मेरा, अब मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, अब मिल गया मुरली वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी माला जपी मिल गया भजन जपाया जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया भजन जपाया राम नाम की माया जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माया जपेगा कोई दिल जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं है यार, दिल्ली वाला नहीं, कौन जपेगा दिल वाला, दिल वाला क्यों, अब देखना शराब पीती हो शर्म नहीं आता, सिगरेट फूंको शर्म नहीं आता, लेकिन किसको बोलो भैया माला जप करो तिलक, ये कैसे हो जाएगा, भगवान की माला कैसे जप कर ले हैं, तिलक कैसे कंठी धारण ना करे, इतनी गंदी बात हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन गद्दी काम करो ना उसमें कुछ शर्म नहीं लगता है, इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला जप कर सकता है, इसका दिल मजबूत है ना, वही व्यक्ति प्रभु का नाम जप कर सकता है, ये प्रभु का नाम को सभी जप कर कोई नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण कहते हैं सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि स्वपि महामुनि हे अर्जुन, करोड़ों करोड़ों में कोई विरल व्यक्ति होते हैं जो मेरे नाम को जप करते हैं, मेरे नाम को मेरे भक्ति को जो जप करते हैं, बड़े विरल वाल विरल हैं, बड़े विरल लोग होते हैं प्रभु का जो भजन प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए
इसलिए जो संपूर्ण संसार से मुक्त हो गए, निर्भीत हो गए, वही प्रभु का नाम जप कर रहे, वही प्रभु की नाम जप करते हैं। बोले इच्छता अकूत भयम, बोले दूसरे व्यक्ति को नाम करता है, बोले इच्छता अकूत भयम। अकूत भयम मतलब है जो जीवन में शांति सुख और जीवन में जो अभय पाना चाहते हैं, जीवन में जो शांति सुख पाना चाहते हैं, वो मेरे नाम जप करते हैं। अब देखो प्रभु के नाम भी जप करो, कितने शांति, कितने सुख, कितने आनंद, प्रभु की भक्ति में कितना आनंद, ये कथा नहीं करो कितना आनंद है भगवान भक्ति में, कितना आनंद जो जीवन में शांति और सुख पाना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, अगर प्रभु का नाम जप करोगे ना, हर पद पद में, हर पल पल में एक नई आनंद प्राप्त होगा, एक नया आनंद प्राप्त होता है भगवान के नाम जप करने से। लेकिन संसार का आनंद हम पहले बताया था ना, संसार का आनंद कैसे, हर चीज घटेगी, कोई संसार कोई सुख कभी बढ़ती नहीं। पहले बताया ना पत्नी पहले कैसे लगती है, सूर्यमुखी, बोले एक सूर्य आकाश में, एक सूर्य मेरे पास में, चंद्रमुखी, कहते एक चंद्र ऊपर में और एक चंद्रमा मेरे पास में, पहले चंद्रमुखी, कोई चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में क्या लगती है, सूरजमुखी, और कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। इसलिए कहते संसार का प्रेम कहां से शुरू होता है, आई लव यू, कुछ दिन बाद में आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आई की लीव, फिर कोर्ट में जाकर टच करते डाइवोर्स में। अब देखना संसार का कोई भी आनंद, कोई भी संसार का, कोई एक रसगुल्ला खाओ, बोले कैसे लगता है, बोले बहुत बढ़िया है, बोले दूसरे खाओ कैसे, बोले हाँ ठीक है, बोले तीसरा खाओ कैसे, बोले हाँ सही है, बोले चौथा, बोले नहीं अगर खा लिया पंचमा खा तो उल्टी हो जाएगी। पिता बच्चा कोई खो गया, अब देखना बच्चा कोई खो गया, बोले बच्चा कहाँ, मेरे बच्चा कहाँ, पागल हो जाता है, हैं बच्चा कहाँ पागल हो गया बच्चा कहाँ। अगर बच्चा मिल गया ना, अगर 5-10 रुपए बचा उसको गोद में लेकर, तो कहाँ चला गया था, तो कहाँ चला गया था बेटा, एक बार लेगा, दो बार लेगा, तीन, बोले जाओ अभी खेलो अभी खेलो अभी। इसलिए जगत का कोई भी आनंद देखोगे ना, वो कोई बढ़ती नहीं है, हर समय क्या होता है वो घटती है हर आनंद। लेकिन भगवान की भक्ति में कभी कोई चीज घटती नहीं, भक्ति में दिखती नहीं, बोले पक्षी जना आकाश और अंत नहीं पाए, जैसे चिड़िया आकाश का कोई था नहीं पाता है, जितना दूर पंख है तुम उड़ सकते हो, भक्ति जगत ऐसे भी जगत है जितने गोता लगा सकते हो, लगाओ गोता, जितने गोता लगा सकते हो, जितने गोता लगा सकते हो उतना गोता लगाते रहो, क्योंकि जितने गोता लगाओगे ना उतना ही तुम्हें आनंद मिलेगा, उतना तुम्हें आनंद। बोले इच्छता अकूत भयम, अगर जीवन में कोई अभय पाना चाहते हो, शांति सुख पाना चाहते हो, क्या करो, भगवान के नाम जपो। बोले जोगी नाम निप निर्मित हरे नामानुकीर्तन, बोले जोगी नाम निप निर्मित, बोले जितने जोगी ऋषि मुनि सबके सब एकत्र बैठे करके इन लोगों ने अपना विचार किया, जगत में सबसे सार वस्तु किया है, उन लोगों ने निचोड़ निकाला तो भगवान का नाम को निकाला। इसलिए हमारे गुरुदेव की सुंदर कथा सुनाते थे, बोले एक समय जब ये रामायण रचना हुई ना, अभी रामायण रचना होने पर अभी देवता दैत्य और इंसान में लड़ाई शुरू हुई, देवता कहते हम लेंगे, दैत्य कहते हम लेंगे, और इंसान कहते हम लेंगे। बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं, एक काम करो जिसका ये ग्रंथ हो उनको पास में चलो। बोले ये ग्रंथ हो किसने बनाया, बोले शंकर। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वाल्मीकि लिखने से पहले, तुलसीदास लिखने से पहले वो स्वयं कहते शंकर सबसे पहले इसको अपना हृदय में रचना करके रखा। भागवत कौन पहले सुनाया, शंकर जी पार्वती को सुनाया। इसलिए बोले भोले बाबा शंकर जी को पास में चलो, शंकर जी को पास में गए, बोले भैया लड़ाई मत करो, तीनों में मैं बंटवारा कर देता हूँ, पर उसमें था 1,00,000 श्लोक, तो उन्होंने 1,00,000 श्लोक तीनों में बांट दिया। पहले तो 30,000 दे दिया, अभी कितना बच गया 10,000, फिर 3,000 अभी कितना रह गया, कितना रह गया 1,000, फिर 300 अब कितना रह गया, कितना रह गया 100 को फिर 30 कितना रह गया 10
दस के ऊपर तीन तीन तीन, अभी कितना रह गया? एक। कहते हैं एक श्लोक में चार ही चरण है, एक श्लोक में चार ही चरण है, जैसे धर्म क्षत्रिय कुरु क्षत्रिय एक चरण, सम वेद जुजुष्व एक चरण, मामा कहा पांडव अक्रगम, उसमें चार चरण है, चार चरण को उन्होंने एक एक चरण दे दिया, अभी एक चरण बच गया। अभी एक चरण में होता है आठ अक्षर है, फिर आठ अक्षर को बटवाया, दो अक्षर दो अक्षर दो, अभी लास्ट में दो अक्षर बच गया। शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतना परिश्रम किया है, अभी जो परिश्रम करेगा उसको तो कुछ मिलना चाहिए ना, ये दो अक्षर हमें दे। कहते वो दो अक्षर किया राम नहीं तो कृष्ण, इसलिए शंकर जी ये दो अक्षर को अपना कंठ में प्रभु धारण कर दिया। इसलिए शंकर जी कहते महामंत्र जय जपत महिषा, इसलिए शंकर दिन रात क्या करते हैं भगवान की नाम जप करते हैं। ये नाम की इतने महिमा श्री हरि नाम का, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बार सब सब जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा। देखो आज हम लोगों का बड़ा अच्छा दिन है, आज श्री प्रभु जी का नाम क्या सचिदानंद प्रभु जी अपना घर में सारे भक्तों को बुलाए, आज हमारे घर में हरि कीर्तन होगा, घर में सत्संग होगा, सबके सब आओ। इसलिए भागवत में बताए जिस दिन घर में सत्संग हो, जिस दिन घर में हरि कीर्तन हो, कहते घर घर नहीं है, वो घर भगवान का धाम हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिस दिन गृह भजन देखी गृह से बोलो, जिस दिन घर में हरि कीर्तन भजन हो वो घर घर नहीं वो गोलोक वृंदावन। कहते सर्वाणि तीर्थाणि वसन्ति तत्र, पृथ्वी का सारे तीर्थ उसी घर में आकर के निवास करते हैं जिस घर में हरि कीर्तन सत्संग हो। इसलिए आज कुछ कुछ नए नए भक्त लोग आए हैं, आपसे मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग भी अपना घर में ऐसे सत्संग कराओ, ऐसे सत्संग कराओ, घर में भक्त लोग आए, हरे हरि कीर्तन हो, हरि भजन हो, घर भगवान की धाम बन जाएगा है। इसलिए देखो एक समय हमारे जो बड़े गुरु जी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे, सुना एक समय इनको किसी ने कहा गुरुदेव बेटा बात नहीं सुनता है, बेटा बात नहीं सुनता है। अब ध्यान देकर सुनो गुरु जी क्या हो, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो और बच्चे को कभी रामायण पढ़ाया है? बोले नहीं। तो गुरु जी ने कहा जो रामायण पढ़ेगा नहीं, बच्चे को रामायण नहीं पढ़ेगा उसको यही दुर्गति, यही दुर्गति होगी। अभी हम लोग गए थे फैजाबाद में एक ओल्ड हाउस घर में गए थे, देखा जिनकी कोठी पांच पांच गज की कोठी, हजार हजार गज की कोठी, वो सब ओल्ड हाउस में बैठे हुए। हमने पूछा भैया क्या बात है, आप इतने पैसा वाला धन संपत्ति अब ओल्ड हाउस में क्यों बैठे हो? हम भगवान कथा सुना, बोले बाबा हमसे गलती हो गई, बच्चों को तो एटीएम कार्ड बना दिया, पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन बच्चों को कभी हमने ये नहीं बताया थोड़ी सी गीता पढ़ थोड़ा रामायण भागवत पढ़, अगर बच्चों के अंदर में ये संस्कार डालते तो अभी कभी हम ये ओल्ड हाउस में कभी नहीं बैठता, ये ओल्ड हाउस में हमें बिताना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बेटा रामायण अगर खुद पढ़ता, बच्चों को रामायण पढ़ता पढ़ाता तो रामायण में क्या लिखा हुआ है, प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता। ठाकुर जी सवेरे उठकर क्या करते हैं, सबसे पहले पिता माता को चरण छूते हैं, उसको बाद में गुरु जी की चरण छूते हैं। भगवान राम ने क्या किया, पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए 14 साल वनवास गए कि नहीं? अगर आप अपना बेटे को बोलो 14 साल किया 14 दिन के लिए चले जा, अपना मर्जी से 14 दिन के लिए घूमने जा सकता है,
लेकिन पिता माता की आदेश को पालन करने के लिए एक दिन भी 14 दिन छोड़ दो, एक दिन भी नहीं जाएगा। हमारे गुरु जी बात कहते थे, हमारे गुरु जी किसके आदेश पालन करने के लिए, सौतली माँ अपना माँ नहीं, कई कई के आदेश को पिताजी मना कर रहे थे, लेकिन बोले नहीं रघुकुल रीति सदा चली जाए, आई प्राण जाए गुरु वचन में जाए। इसलिए गुरुदेव कहते थे बोले अगर बेटा अगर तू रामायण पढ़ता, बच्चों को भी रामायण पढ़ाता तो बच्चों को अंदर संस्कार आता, अपने आप आता। नहीं, सबसे पहले क्या करो, सवेरे उठ करके पिता माता की सबसे पहले चरण स्पर्श करो, गुरु जी की चरण स्पर्श करो, हैं गुरु जी की चरण स्पर्श करो, संस्कारी बनता, फिर तो राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे सीता जैसे बहू हो, और घर में गीता और रामायण होना, वही घर ही भगवान का धाम है, वही घर ही भगवान की धाम है। इसलिए कहते अगर हम चाहते हैं भविष्य में हमारे बच्चे हमारी सेवा करे, बच्चे हमारी बात सुने, क्या करने चाहिए, सबसे पहले पहले खुद रामायण पढ़ो, पहले खुद भगवान की भक्ति करो, भगवान के नाम जप करो, फिर तो बच्चों को हम बोल सकते बच्चे तुम भी भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तुम भी भगवान की भजन करो। इसलिए पहला गुरु कौन है, पहला गुरु श्री पिता माता, पहला गुरु उसको बाद में फिर जो दूसरा गुरु है। इसलिए हम चाहते हैं बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार आए, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, इसलिए आज कुछ भक्त लोग नए नए भक्त लोग आए ना, इसलिए अब से हम प्रार्थना करते हैं आप भी ये भक्ति संघ में जोड़ो, जैसे हमारे ये भक्त लोग हैं, जैसे हमारे ये भक्त लोग हैं, आप लोग इनको साथ में जोड़ो, सत्संग में आओ, और घर में भी ऐसे सत्संग रखवाया करो, अपना बच्चों को बैठाओ, बैठा करके कथा सुनाओ, बच्चों को भी अंदर में भी ये संस्कार डालो, फिर क्या होगा, घर भगवान का धाम बन जाएगा। जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन भजन हो वही तो भगवान का धाम, वही तो भगवान, नहीं तो फिर क्या होगा जानते हो, घर शमशान बनेगा। शमशान किसको कहते हैं, जहां पर डेड बॉडी जलता है उसको शमशान कहते हैं ना, जहां पर डेड बॉडी जलता है, अगर फिर हमारे घर में मांस मछली शराब यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, यही चीजें आ जाएगी घर में। लेकिन अगर सत्संग में जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, तेरे घर में कभी ये चीज नहीं आएगी, घर में भगवान का नाम कीर्तन होगा। तो इस आप लोग इसी घर को ही देख लो, घर में ठाकुर जी बैठे, घर में मां सत्य लोग हैं, घर में ठाकुर जी है, घर में भगवान की भोग लगता है, इसी घर में ठाकुर को भोग लगाते हैं, बच्चे भी भक्त है, दोनों पति पत्नी भक्त, सभी भक्त ही भक्त ही है। इसलिए यहाँ पर जितने हमारे कुछ भक्त लोग बैठे हुए इनकी इनकी घर को देख लो, हर घर घर में कीर्तन संत भक्ति भजन, घर घर में भगवान की भक्ति होता है। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है आप लोग भी घर में ऐसे सत्संग रखवाया करो, भक्तों से जुड़ो, फिर घर हमारे भगवान की धाम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पिता माता को स्वयं भक्ति करना पड़ेगा। अगर पिता माता करेंगे बच्चे देखेंगे, बच्चे पहला तो गुरु पिता माता है ना, पहला गुरु तो पिता माता, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे हरिनाम नहीं करेंगे, बच्चे को बोले तू भी ऐसे माला कर, बच्चे कभी करेगा, वो कभी करेगा। अगर हम करेंगे तो बच्चे को बोलेंगे तो बच्चे फिर हमारी बात सुनेंगे। इसलिए पहले पिता माता सुधर, उसके बाद फिर बच्चे सुधरेंगे। हमारे बीच में श्री सुंदर गोपाल गुरु जी और कि आपको बताएंगे Sridhar Maharaj and to all devotees here present here today.
during the discussion between Mahaprabhu and Ramananda Rai. So Mahaprabhu asked Ramananda Rai one question. Swaya madhe kaun swaya jive hoy sar. Out of all the activities, what is the most auspicious activity in this world? At that time Ramananda Rai said, Krishna Bhakta Sangha Vina Sriya Nai Ar. To associate with the devotees of the Lord, there is nothing superior to this. So that's why, therefore we should understand that how fortunate we are when sadhus come. Now Maharaji has come from Vrindavan, taking all the time and effort to come from there to give us association. When Gadacharya, he went to the house of Nanda Maharaj, that time Nanda Maharaj mentioned to him, look at how fortunate we are that sadhus are coming, and what are we are householders living in this world, and we are completely entangled in this world. Because even though we don't take the time and effort to go and meet sadhus, out of their causeless mercy, they are taking their time, they are sacrificing their time that they can engage themselves in the service of the Lord. They are coming here and they are giving their association. So therefore, we should understand that how lucky we are. If you say that when one, every step one takes to go and do sadhu-sang, that each step is equal to performing one asamedha yagya. That's why, even though nowadays, because we have been fortunate, like we regularly invite sadhus to come from India, so even though we are able to get them, still we should never take it lightly that we are so lucky that sadhus are coming. Like Maharaj is saying, in this world, we are running after wealth. Everyone, no one says that I am satisfied what I have got. If no one, the material things are such that one will never be satisfied. So when we associate with materialists, what will we do? We will get more and more entangled in this world. Even though we know that eventually, like Maharaj was saying, in the end, when we die, we have to give everything up. Still, the attachment is so strong. So what do these sadhus give us? Actually, sadhus are also running after wealth. Mahaprabhu asked, Sampatti and Madhya Jeeva Kaun Sampatti Gani? Out of all the different types of wealth, what is the greatest wealth? Radha Krishna Prem Jai Bharathani. The one who has prem for Radha and Krishna, they are the greatest wealth. Because with this prem, one can get Krishna, the Supreme Lord, and become eternally happy. That's why Mahaprabhu was saying, Krishna Prem Vina Daridra Devan Das Kori Vetan Mori Deho Prem Da. So sadhus are also, we end up actually for wealth also, but what wealth do we want? We want this Krishna Prem that will give us eternal happiness. When we give up this, our life, we can take nothing with us, actually except this bhakti. So therefore, we should understand that these sadhus, actually they are coming for our benefit, and if we are very sincere and people say, oh, I am going to sadhu sang. But really, what is sadhu sang? Sadhu sang is actually when, it's not that some sadhu has come, we have listened and gone back and done sadhu sang. Sadhu sang means, really, what they're giving us, that we can follow according to our capability, whatever little we can understand, we can follow in life, then really we are doing sadhu sang. Otherwise, it's just like a social activity, that we are going for meeting people and networking something. But that is not the effect. The real value is when we take what the sadhus are giving, really, because for them it's not a difference, but really it's our benefit. The more we can accept them, it will help our real happiness. We can really get happy. So therefore, we should, when we've taken the effort, we've given up a Friday evening to come here and do sadhusang, so then try, we are so fortunate, at least whatever you can listen carefully. Once there was a story. Once one boy, he was wearing glasses and he was playing in his garden. And then he lost one of his lenses. So he looked for his mother, he told his mother, I lost this. Then he said, go and look for it. So he looked for it for about 10 minutes and he found it, said, I cannot find it. Then his mother went and looked for it and then she found it. Then she said to him, because you're looking for a piece of glass, that's why you couldn't find it. I was looking for something that was worth $100.
That's why I found it. So similarly, if we come and Sandeep Prabhu, Sachinandan Prabhu is invited at a social, we have to come and just give our presence that we want benefit. But if you really come with the intent, get no it is actually beneficial for me, then whatever I can listen, then at least whatever little I can apply in my life, I should apply. So it's that we can really do sadhu-sanga. So in this way, we asking Maharaj will be here for 2 days. So this, like Maharaj is explaining, this process of bhakti is so easy. Maharaj will explain the story of Hanuman. Hanuman burnt all of Lanka. Srila Bharati Goswami Maharaj will say, what does it mean burning Lanka? Does it mean no one died? No, so many people died there. Not only animals, Brahmins, women, and not only women, even pregnant women died. But still no one is saying he's a papi. Everyone is worshipping. Why? Because he did it for the service of Lord Ramchandra. So therefore he had no self-interest in this. That's why everyone is worshipping him. Similarly, what is his path of bhakti? Krishna, when he explained Bhagavad Gita, who did he explain this? He did not explain this to a sannyasi. He explained this to a grihastha, a householder. See, whatever you're doing in your life, just do it, do it as an offering to me. So bhakti is such an easy thing that whatever we're doing in our life, we should do it without keeping ourselves in the center. But keeping Sri Krishna in the center, then automatically there will be no entanglement. So therefore, how Maharaj was saying in this Kali Yuga, this process of harinam sankirtan, that even Mahaprabhu has said, nam akari bhajan nija sarva sakti, is so powerful, and there is no regulation that you can only do it at a certain time, you can only do it when you take after taking bath, any time, and every time you can chant the Lord's name. So we should take advantage of this harinam. Whatever wealth we collect now, we cannot take this with us. But whatever holy naam, hari naam, any bhakti, any sadhu sang, anything spiritual we do, that's the only thing we can take with us. So we're requesting everyone that Maharaj has so kindly had come here for our benefit, that we should take advantage of this and make our life successful. वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा एक बार हाथ उठाकर सब सब बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 सब बोल हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन, इसलिए आज हमको भगवान कीर्तन और भगवान की कथा हमें सुनने को मिल रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, कहते आधी से पुण्य आग तुलसी सतसंग में ना से छोटी अमर। और कहते अगर जीवन में एक घड़ी, मतलब एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, मतलब आधी घड़ी नहीं आधी से पुण्य आग है, बोले तुलसी सतसंग में, वो कितना समय है? इसलिए भागवत में बताए जैसे एक सेकेंड को 11 भाग कर लो, 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं। जैसे एक सेकेंड को 11 भाग, उसका 11 भाग का एकमा भाग को एक लव कहते हैं। इसलिए कहते हैं अगर इतना समय अगर हम जीवन में भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, भगवान की कीर्तन कथा सुनने को मिल जाए, जिसको साथ में स्वर्ग और मोक्ष को भी हम बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को कह रहे हैं। बोले शंकर जी क्या कहते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप देई हसा गत सोई। शंकर जी कहते पार्वती
अति हरि कृपा जा पर हुई, मतलब थोड़ी बड़ी कृपा नहीं, अति अति मतलब भगवान की दो तरह का कृपा है, एक डायरेक्ट और एक घुमा फिरा। शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा, जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए पार्वती, पाप देह की असंगत सोई, तभी जीवन में भगवान की कथा और कीर्तन, तभी जीवन में जीव को लाभ होता है। इसलिए समझो आज हम लोगों के ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि थोड़ी समय हम लोग यहाँ बैठ करके भगवान का कीर्तन और कथा हम सुन रहे हैं। अभी प्रश्न है भैया साधु संघ की इतने महिमा क्यों बता रहे, इसलिए कहते ना, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास और भी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ ना होई। क्यों भैया इतने साधु संघ की है क्या चीज? हाँ, एक छोटे के सुंदर स्टोरी सुना। मतलब एक समय कोई एक राजा था और उसका कोई बेटा था। एक समय बेटा ने कुछ गड़बड़ किया है, गड़बड़ किया तो राजा ने उसको डांट लगाया, डांट लगाया तो उसको बड़ा अपमान बोध हुआ, पिताजी ने सबको सामने मेरे को डांट लगा दी। इतने में उसने अपना पिताजी को त्याग दे करके घर छोड़कर चला गया। जब घर में रहता था राज महल, कितने दास दासी उनकी नौकरानी नौकर सेवा कर रहे हैं, रोज छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन खाओ, डल्लभ गद्दी को बरसो। लेकिन जब उसने पिताजी से विमुख होकर चला गया, अभी क्या करेगा? वो करेगा क्या? अभी जाकर चाय की दुकान में काम करेगा, और झूठन जो प्लेट को उसको धोता है घर में लिपा पोता पोछा लगाता है। अभी राजा तो बड़े दुखी, बेटे को मैंने अच्छे के लिए बताया, बेटा बात सुना ही नहीं, घर ही छोड़ कर चला गया, अभी इस राज्य को कौन संभालेगा, एक ही बेटा है। राजा बड़ा दुखी, बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया। लेकिन वो क्या कर रहा है, चाय की दुकान में काम कर रहा है। एक दिन उसका जो मंत्री था, बोले राजा हर समय उदास ही रहते हैं, उनको कभी हंस करके बात नहीं करते, अंदर अंदर में कोई कोई घुटन सा है। एक दिन उन्होंने राजा को पूछा, महाराज क्या बात? बोले ऐसे ऐसे मेरे बेटा कहीं चला गया, पता नहीं क्या खाता होगा क्या करता होगा, ये राज्य को कौन संभालेगा, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। बोले महाराज अगर आदेश हो आप तो बेटे को ढूंढने के लिए जाओ, बोले तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, जा करके देखो। अभी मंत्री ढूंढते 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 थोड़ी दूर जा करके देखा, वो क्या कर रहा है, चाय की दुकान में प्लेट धो रहे, घर में लिपा पोता पोछा लगा रहे। लेकिन ये बात किसको बताता नहीं, मैं राजा की बेटा हूँ, हाँ किसको बताता नहीं। अभी ये मंत्री इसको देख करके बहजान गया और जाकर के ना उसका मित्र बन गया, मित्र बन गया, और उसने बताया नहीं मैं मंत्री हूँ, हाँ उसका मित्र बन गया। जब जाता उसको साथ में दोस्ती हो गया, देखना जब ज्यादा दोस्ती हो जाए ना अंदर की बात खोल कर बोल देता है, अभी तक तो उसको किसने बुलाया नहीं। एक दिन मंत्री ने पूछा भैया तू है कौन, लेकिन देखने में तो बड़े लंबे चौड़े बड़े सुंदर दिख रहे हो, तू है कौन, कहाँ रहे तो क्या, इसलिए क्यों काम कर रहे हो? तो उसने सारी बात बताया, अमुक राजा का मैं बेटा हूँ, एक दिन मैंने कुछ गड़बड़ी किया तो पिता ने मेरे डांट लगाए और मैंने क्रोध करके अपना घर छोड़ दिया और यहाँ आकर के चाय की दुकान में काम कर रहा हूँ। बोले तू फिर घर में वापस क्यों नहीं जाता हूँ? बोले मैं सोचता हूँ क्या पिता मेरे को रखेंगे घर में, फिर अपना घर में क्या पिता फिर रखेंगे, फिर इसी वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। तब मंत्री ने बताया, बोले देख बेटा मैं उसी राजा का मंत्री हूँ, उसी राजा का मैं मंत्री हूँ, राजा तू जितने दुखी है ना, तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिताजी है। पिता माता कब खुश होते हैं? बच्चों का खुशी देख करके पिता माता खुश होते हैं, बच्चा अगर दुखी हो पिता माता दुखी होते हैं। तू जितने दुखी तेरे से पिता ज्यादा दुखी है, दिन रात उनको चैन नहीं बेचैन नींद नहीं आता है, बड़ा टेंशन में है। वो सोचते हैं तू वापस चले आ, पिताजी मेरे को रखेंगे? बोले जरूर रखेंगे, लेकिन जाकर के तुम इतना ही बात बताना, एक्सक्यूज मी, इतना और कुछ नहीं, माफ कर दो मेरी गलती होगी, इतना ही केवल बोलना और कुछ नहीं। क्योंकि पिताजी की स्वभाव की जो स्नेह है बच्चों को ऊपर है, बच्चों को ऊपर में। बोले ठीक है मैं जाना चाहता हूँ। फिर मंत्री उसको वापस ले आए, जो वापस आए पिताजी के चरण छुए हैं और इतना बोल दिया, पिताजी अपराध हो गया, एक्सक्यूज मी,
माफ कर दो पिता, जिसको फिर अपना गोद में भर लिया। बोले बेटा इस सारी राज्य तो तेरे लिए मैंने बच किया, भविष्य में इसको भोग करने वाले तू हूँ, लेकिन मैं तो तेरे अच्छे के लिए बात बताया था, लेकिन तुमने बात तो समझा ना, तुमने घर को क्रोध करके घुसा करके छोड़ दिया है। हम तो माला ही मार, देखो क्यों सत्संग को इतने महत्व क्यों देते हैं? कारण है ये वेद कहता है हम कौन है। वेद कहता है अमृतस्य पुत्र, हम साधारण घर के बच्चे है नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता न, ये दुनिया की पिता बंधु भाई मैं हूँ। इसलिए कहते हैं ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव। भगवान ही हमारे पिता माता है, लेकिन कभी हमने कुछ गड़बड़ी किया है इसलिए पिताजी थोड़ा डांट लगाए। हमने क्या गड़बड़ी किया है, क्या गड़बड़ी किया है? इसलिए भागवत ने बताया भयम द्वितीया विनिवेशेत स्यात् इसात् अपेत विपर्यय स्मृति। भगवान ने हमें समझाया बेटा तू मेरे बच्चे हो, ये सारी संपत्ति का तू ही मालिक हो, लेकिन तुमको मालिक तो मिलेगा कब? जब पिता माता की सेवा करोगे तब तो मिलेगा है ना। लेकिन हमने भगवान की सेवा त्याग दिया छोड़ा, बोले तेरे सेवा नहीं करेंगे माया की सेवा करेंगे, हम आपकी सेवा हम नहीं करेंगे माया की सेवा करेंगे। बोले जाकर देख ले माया की जो थप्पड़ लगेगा ना तो फल पता पता चल जाएगा। हाँ इसलिए पिताजी के आदेश को हमने अवमानना की है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हे अर्जुन, तो सब छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जा। मन मना भव, मन को मेरे भक्ति में लगा, मत भक्त भव मेरा ही भक्त बनो, मेरा पूजा करो मेरा सेवा करो, तुम्हें आनंद ही आनंद है। लेकिन हमने पिताजी की बात को हमने सुना ही नहीं, हमने सोचा स्वयं जाकर के माया को हम भोग करेंगे, इसलिए ये संसार में आए कृष्ण को भूल करके और संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। कहते भैया ये मंत्री कौन है? कहते ये मंत्री है कौन? कहते मंत्री की कौन है? बोले संत लोग है, भगवान ये संत को दुनिया में भेजते हैं। बोले जाओ भैया उनको समझाओ तो तुम्हारी ये घर नहीं है, तुम रिफ्यूज होकर यहाँ पर आ गए हो, रिफ्यूज होकर यहाँ पर आए हैं, रिफ्यूज यहाँ रह नहीं सकते हो, भले ही तुम्हारे पास में सारे पेपर वेपर सब कुछ है, तुमने भले ही ये दुकान वकान सब कुछ बनाया, लेकिन कब तक? जब तक शरीर है, शरीर छूटते ही ये घर में एक घंटा भी तुमको रुकने नहीं देंगे, पूरा परिवार को बुलाकर घर से निकालेंगे, गोबर पानी का छिड़काव गंगा पानी का छिड़काव कराएंगे, तेरे दिन तक अशुद्ध बन कर रहेंगे, तेरे दिन तक अपवित्र बनेंगे। इसलिए तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारे घर कहाँ पर है? भगवान के पास में। इसलिए एक मैगजीन निकलता था उसका नाम था ब्याग टू गड है, अपना घर में वापस चलो, ये तुम्हारी घर है ही नहीं। इसलिए संत लोग ही मंत्री है, हैं? मंत्री रूप में आकर के समझा तो बेटा तू साधारण घर के बच्चे है ही नहीं, तेरे पिता तो ठाकुर है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक तेरे पिता है, और तू जितने दुखी है ना तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिता माता है। इसलिए हमारे जैव धर्म में बताया जीव जब भगवान को भूल करके संसार में चला जाता है, भगवान रो रो कर उसको पीछे पीछे भागते रहते हैं। बोले बेटा एक बार झांक कर तो देख मेरे तरफ में, लेकिन हम एक बार भी उसको तरफ में देखना नहीं चाहते, हम तो माया की तरफ में देखना चाहते हैं। भले ही माया जितने थप्पड़ मार रहे हैं, जितने माया हमें डंडा मारता ना उतना ही संसार में ज्यादा मोह ममता में उतने बच जाते हैं। लेकिन ये साधु संत रूप में आकर के हमें समझाते हैं बेटा एक बार जाकर एक्सक्यूज मी बोल दो, इतना ही बोल दो ठाकुर जी, ठाकुर जी हाँ मेरे पिता माता हमारे अपराध में माफ कर दो, अपना चरण हमें स्थान दे दो। फिर ठाकुर जी अपने गोद में भर लेंगे, फिर गोद में भर आनंद ही आनंद है, हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, एक बार केवल प्रभु के पास में जाकर क्या बोल दो, एक्सक्यूज मी इतना ही बोल दो, बस ठाकुर जी हमें अपना गोद में भर लेंगे, फिर सारे संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, हम ही बन जाएंगे। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें भगवान को पास में जाने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत है। कितना चीज की जरूरत है, कितना चीज की? जैसे हम इंडिया जाएंगे, देखो आप इंडिया से आए हो,
अब उपवास में कितना चीज था तब यहाँ पर आए हो? तीन चीज है। क्या चीज तीन चीज है? पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट पैसा, तभी आप भारत से यहाँ तक आ पाए। जब साधारण भारत से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए भैया तुम्हारे पास में ये तीन चीज चाहिए, फिर भगवान के पास जाने के लिए तीन चीज चाहिए ना। क्या तीन चीज चाहिए? पहला नंबर क्या चाहिए? पासपोर्ट। बोले भैया ये पासपोर्ट क्या दीजिएगा? बोले गले में तुलसी की कंठी चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए है? इसलिए जब महाराज जब भक्तों को बोले, बोले देखो खबरदार जो भक्ति करते है ना उनको हमारे पास में मत लाना। जब भक्त बोले भैया हमें पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता है, पता कहीं चलेगा? जब महाराज बोले देखो दो तरह के कुत्ते होते हैं। कितने तरह के? एक पालतू और एक फालतू। यहाँ पर तो सब पालतू ही, ज्यादा फालतू भी नहीं, लेकिन हमारे इंडिया में दो तरह का कुत्ता, एक पालतू है और एक फालतू है। जो पालतू कुत्ते हैं उनकी गले में पट्टा बना हुआ रहता है, बैठने पट्टा, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू है बिना पट्टे के जो रोम कुत्ते हैं, इसलिए देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। इसलिए हमें पहला नंबर हमें पालतू होना पड़ेगा ठाकुर को। इसलिए गले में तुलसी कट्टी मतलब हम किसकी पालतू है? श्री ठाकुर जी का पालतू है, ठीक है ना। लेकिन हमारे स्वामी महाराज जब अमेरिका गए, जब अमेरिका गए तब बोले भैया गले में कट्टी पहनो। वो तो अंग्रेजी लोग, उनको क्या पता तुलसी क्या क्या महत्व है। बोले ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? हमारे पास में सोने चांदी है, ये लकड़ी क्यों पहनेंगे? तो स्वामी महाराज ने हमारे पुराणों से वेदों से सारे श्लोकों को उठा उठा कर बताए, देखो ये जो तुलसी है ये तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं। तब अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, बोले भैया ये हिंदू लोग जो पेड़ पूजा क्यों करते हैं? तुलसी पेड़ है ना, उसको पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब देखना नारायण के साथ में शादी भी होती है, है? उसका हम प्रणाम करते हैं। बोले भैया हिंदू लोग पेड़ पूजा क्यों कर रहे हैं? लेकिन वहां पर रिसर्च करके देखा पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। इसलिए हमारे भारत में एक मेडिसिन जिसका नाम तुलसी पवार है, हाँ इतना बड़ा बोतल है, उसको इतना बड़ा पेपर कभी अगर पढ़ सकते पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ 200 बीमारी की जो मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में दिखना। अगर रोज रोज कोई दो तुलसी पत्ता खाए ना, कभी उसको कैंसर कभी टीबी जिंदगी में नहीं होगी, कभी नहीं होगी, इतने उसके अंदर में मेडिसिन है, हैं? इसलिए पातंजलि में भी आप देखना रामदेव पातंजलि, वहां पर तुलसी अपने पेपर पर देखना उसमें। इसलिए तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं, पृथ्वी का सबसे ज्यादा मेडिसिन अगर कहीं है ये तुलसी वृक्ष है। इसलिए गले में जब हम कहीं भी करके हम स्नान करते हैं इसका पानी सारा शरीर में जाता है, जाने पर आधा बीमार अपने आप निकल गए, अपने आप निकल जाती है। और पुराण में एक श्लोक बताए, जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी पहन करके स्नान करे, कहते पृथ्वी का सारे गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारे तीर्थ में घर में बैठे बैठे करके नहाना हो जाता है, अगर कोई गले में तुलसी कंठी पहन करके स्नान करे। अब लोग तो हिंदू है, ये तुलसी को लक्ष्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी। देना सालग्राम के साथ में शादी होती है, अगर गले में तुलसी कंठी मतलब क्या हो गया? माँ लक्ष्मी की निवास हो गई है, लक्ष्मी की। और तुलसी वृक्ष में भगवान कृष्ण का निवास है, भगवान जब दुनिया छोड़ कर गए तुलसी में अपना स्वरूप ग्रहण कर गए हैं। अब देखो हम इसको गले में क्यों पहनते, देखा इसमें क्या साइंस है। हम इसको कंठ में क्यों धारण करते, इसका साइंस देखो। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग है ना ये कंठ है। अगर किसी व्यक्ति को मारना हो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको गला दबा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है कंठ से, इसलिए बच्चों को हम ताबीज पहनाते हैं ना, कहां पर पहनाते हैं? कहां पर पहनाते हैं? ये गले में पहनाते हैं। क्यों? अंदर में कोई गंदी चीज प्रवेश नहीं करे। अगर गले में अगर तुलसी कंठी अगर धारण करेंगे तो कोई गंदी चीज हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। जो कुछ बोली बोलेंगे शुद्ध बन करके निकलेगा। कोई वस्तु ग्रहण करेंगे गले में अगर तुलसी कंठी होना टच करते हुए अंदर में जाएगा तो शरीर को पवित्र बना करके रखेगा। इसलिए तुलसी की बड़ी महत्व है। इसलिए
आप लोग जो नए कुछ भक्त लोग हैं, आप कोशिश करना गले में तुलसी कंठी जरूर धारण करें। कंठी पहने के कभी जमदूत आपको तरफ में नजर उठा करके नहीं देखेगा, वो समझ जाएगा भैया ठाकुर का उन्होंने आश्रय लिया, ठाकुर जी की आश्रय ली। करिए पहला नंबर क्या है, ये हो गया पासपोर्ट। दूसरा नंबर क्या है, वीजा। करिए वीजा किया, बोले तिलक वीजा है। अब देखो अब तो हिंदू लोग हैं, अब देखना जैसे कोई अच्छे बिजनेस के लिए कोई आ रहा है, बढ़िया शुभ काम है, हम क्या करते हैं तिलक लगा कर बेचते हैं, क्यों बेटा तुम्हारी काम बन गया। घर में कोई पुजारी आता है पूजा कराने के लिए, देखना जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा ना तब तक पूजा ही नहीं करेगा, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा निष्फल है, हां ये पूजा निष्फल हो जाता है। और हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये गोपियों की चरण धूलि ये ब्रज रह जाए, इसको लगाने पर शरीर ये पवित्र होता है। और जो तिलक हम एक जगह पर नहीं लगाते, हम इसको बारह जगह पर, तिलक को बारह जगह पर लगाते हैं। मैं कल बता रहा था ना, हाँ देखो ध्यान देखो सुनो, ये तिलक की कितने महत्व है, ये पद्म पुराण में इसकी कथा आती है कि अगर कोई भगवान की कोई विष्णु का मंदिर को अगर कोई स्थापन कर दे, एक भगवान विष्णु मंदिर को स्थापन करे, ठाकुर को सेवा पूजा का व्यवस्था करे, शास्त्र कहता है उसको आगे का 21 पीढ़ी और पीछे का जो 21 पीढ़ी उसका उधार हो जाता है, आगे की 21 पीढ़ी और पीछे का 21 पीढ़ी उसको उधार हो जाते है। अगर कोई भगवत विष्णु मंदिर को अगर कोई स्थापन करे, अगर एक मंदिर को स्थापन करे, यदि जो तिलक है ये क्या है, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, ठाकुर जी की ये मंदिर है। हम कितने जगह पर तिलक लगाते हैं, बारह जगह पर तिलक लगाते हैं, ललाट में, उदर में, बक्षस्थल, कंठ में। इसलिए पुराण में बताया आप अगर आप तिलक नहीं तो रोज रोज अपना शरीर में बार बार मंदिर बना रहे, बार बार मंदिर शरीर में, बार बार भगवान के मंदिर को स्थापन कर रहे हो, पर कितने पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है। और कहते तिलक नहीं रक्षा कवच है, हाँ जैसे कर्ण का शरीर में कवच था, जब तक कवच रहेगा उसको कोई नहीं मार सकते हैं, क्या उसी तरह जो तिलक है अगर आप तिलक लगा कर कहीं जाओगे तो ये कवच का काम करता है। शरीर में कोई भूत पिशाच उल्टा पुल्टा कोई चीज शरीर में आपकी प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए आप देखो भगवान कृष्ण का कोई मूर्ति है, देखो भगवान कृष्ण है तिलक है। आप कहीं देखोगे नारायण को, कोई नारायण का मूर्ति देखे हो, कौन कौन देखो, देखना उनका आधा मूर्त तिलक में भगवान है। कहीं राम का विग्रह देखोगे, देखना तिलक है। कहीं हनुमान जी को देखना, वो तिलक है। कहीं गणेश जी को देखो, तिलक तिलक है कि नहीं। भगवान ठाकुर भी स्वयं ये तिलक को ठाकुर भी धारण करते हैं, हमारी बात छोड़ दो। इसलिए आप लोग कोशिश करना जरूर तिलक लगाने के लिए। और तीसरा चीज क्या है, टिकट। कहते ये टिकट क्या है, बोले भगवान की नाम ही ये टिकट है। इसलिए बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि भगवान का नाम ही एक टिकट है, हाँ देखो एक छोटी सी स्टोरी सुन करके आप कथा खत्म करते हैं, ध्यान देकर सुना। ये स्टोरी सुनने का बाद है ना आपसे मैं पूछूंगा, जो मेरे को बोल देगा सो इनाम दूंगा, ठीक है। ध्यान देकर सुना, बहुत अच्छी स्टोरी, मन देकर लगाकर सुनो। मेरे कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी, कितना रानियां, कितना चार। जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश रखता था। राजा की जो दूसरी नंबर की रानी थी, कहते चार रानियों में वो सबसे सुंदर थी। इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था उसको अच्छे तरह से सजा सजा करके बैठा लेता था रथ में और पूरा राज्य में सबको दिखाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदर कितनी प्यारी। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी बात को बना बना करके मीठी मीठी बात बोलती थी।
इसलिए राजा जब महल में आता था उसको पास में बैठ करके उसका मीठा मीठा बोली सुनता था और बड़ा खुश होता था। लेकिन मन की जो बात है ना वो और किसी को नहीं बोलता था। अभी राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो अच्छी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, लेकिन राजा जब से उसको घर में शादी करके लाया ना उसको साथ में कोई मतलब नहीं होता। कभी उससे पूछा नहीं भैया तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, बेचारी बड़ी गुमसुम दुखी रहती थी। अभी राजा की अंतिम समय आया संसार छोड़ने का, सोचा मेरे चार चार रानियां इनसे प्रश्न करता हूँ कौन कहाँ तक जाता है। सबसे बड़ी रानी से पूछा आप लोग बताओ बड़ी रानी कौन थी बोलो, अरे मैं जो कथा सुनाया उसको बोलो, सबसे बड़ी रानी कौन थी, अरे बोलो इतना जल्दी भूल गए तो फिर याद नहीं रहते। सबसे हाँ सबसे जिसको ज्यादा प्यार करता था राजा, ये सबसे बड़ी रानी थी। सबसे बड़ी रानी से पूछा रानी तू मेरे साथ में चलोगी, बोले तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, तेरे लिए जो मांगती थी वही लाकर दिया करता था। बोले ये तेरा कर्तव्य, बोले तेरी, बोले मेरे तो कोई कर्तव्य नहीं तेरी। बोलती राजा ने तो बड़ा दुख दिया। राजा अभी दूसरी रानी से पूछा दूसरी रानी कौन थी, सबसे सुंदरी राजा जिसको दुनिया में सबको दिखाया करता था। बोले रानी तू चलोगी मेरे साथ में, बोले मैं तो देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगे, बोले तू देख ले मैं कितनी सुंदरी, क्या जाऊंगी मेरे को भी पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा का प्यार जमी फिसल गया, ये क्या बोल रही है, ये दूसरे से शादी करने के लिए तैयारी कर रही है। अब राजा तीसरी रानी से पूछा तीसरी रानी कौन थी, हाँ जो मीठा मीठा जिसका बोली सुनता था और मन की बात जिसको बोलता था। बोले रानी तू साथ में चलोगी, लेकिन वो थोड़ी अच्छी निकली। बोले हाँ चलूंगी तेरे साथ में, लेकिन दरवाजा से चलूंगी। बोले आगे नहीं चल सकती, बोले तू भी किसी काम की नहीं बेकार है, दरवाजे पर चलना थोड़ी चलना है। अभी चौथी नंबर से पूछा चौथी नंबर कौन थी, कौन थी चौथी नंबर, राजा जिसको जीवन में कभी प्यार नहीं किया, कभी पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन सोचा इसको पूछूंगी नहीं पूछूंगी, इसके लिए तो कुछ उपाय नहीं, जिसके लिए करोगे उसके लिए पूछ सकते हो। बोले एक बार पूछ करके देख लेता, बोले तू साथ में चलोगी, लेकिन वही कहती है महाराज तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, तेरी सुख में सुखी दुख में दुखी रहूंगी और बिना खाए पिए कर तुम्हें खाना खिलाऊंगी। राजा तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, भाई जिनके लिए किया तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए किया नहीं वही जाने के लिए तैयार, हाँ कभी इसका मतलब क्या है। हाँ अभी ध्यान देकर सुना, कभी ये हमारे जीवन की ये सच्चाई घटना है, कहते ये सबसे बड़ी रानी कौन है जिसको अभी जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और जिस समय जिस चीज की मांग करती है ना भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़े उसको इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन अंतिम समय में हमारा साथ में कदम भी चलेगा नहीं। ये कौन है, ये शरीर है, हैं? ये शरीर जिस समय जो चीज की मांग करती है, बोले ब्यूटी पार्लर में चलो शादी ने, बोले घुमा सजा करके लाए, बोले गोलगप्पे खाओगे, बोले चलो खिला के खाए, बोले ऐसे कपड़े पहनोगे, बोले चलो मालूम है बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लाएंगे, हैं? बोले जिम में जाओ, बोले जिम में ले चलेंगे। देखना ये शरीर हमें जिस समय जो चीज की मांग करती है हम उसकी पीछा पूरी करते हैं। अंतिम समय आया उसमें साथ में चलोगे, बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रहेगा। जिस शरीर को हमने इतना प्यार इतना सवारे अंतिम समय में ये शरीर हमारी साथ नहीं जाती, यही चली है। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी है, राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था। राजा पूछे भैया साथ में चलोगी, बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे दूसरे से शादी करूंगी। कहती ये कौन है, ये कौन है, बोले ये पैसा है, पैसा सबसे सुंदरी पैसा, कहते ना बाप बढ़ाना भैया उसके बाद में आलू बोलो, बाप बढ़ाना भैया उसके बाद में, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ तो होता ही है। लेकिन पैसा से पूछा भैया साथ में चलोगी, बोले तो मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे दूसरे से शादी करूंगी, तो मतलब क्या है तात्पर्य क्या, बोले शरीर छूटते ही ये पैसा झट दूसरों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए बच्चों का नजर कहाँ रहता है, पिताजी का कितना प्रॉपर्टी कितना दुकान मकान कहाँ कितने पैसा, बच्चों का नजर वही रहता है।
शरीर छूटते हुए पैसा दूसरों के पास में चले, कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी तेरे साथ में नहीं हम। अभी तीसरा नंबर आया, तीसरा नंबर कौन थी जिसका राजा मीठा मीठा बात सुनता था, मन की बात है, मन की बात बोलता था, कभी ये कौन है कभी ये परिवार वाले। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी, बोले हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे, बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तक आगे बढ़ सकते हो लेकिन तेरे साथ नहीं जा सकते। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं तेरे लिए बढ़िया रथ सजाएंगे, अरे राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ तक, बोले शमशान तक ले जाएंगे, बोले फिर वहीं जला करे टाटा करते करते वापस आ जाएंगे, बोले आगे, बोले आगे नहीं जा सकते। हाँ देखो अभी चौथी नंबर ध्यान देखो सुनो, ये चौथी नंबर है राजा जिसको जीवन में कभी एक बार झांक कर भी नहीं देखा, कभी उससे पूछा नहीं तेरे साथ में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब अंतिम समय में पूछा ना वही जाने के लिए तैयार है। यदि ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखे, ये बेकार चीज है। यदि भगवान की भक्ति है और ये भगवान का नाम है, अगर किसको बोले थोड़ा हरिनाम का बस बेकार काम है, जिसका कोई धंधा पता है नहीं ना, वही सब मांगा लेकर हरे कृष्ण का मतलब टीवी देखना घूमना इधर उधर न्यूज पेपर पढ़ना जो काम बहुत सारे काम है, लेकिन ये सब बेकार काम जिन्हें कोई काम नहीं ना वही सब मांगा लेकर के हरे कृष्ण करते रहते। हम उसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखे, ये बेकार है कोई, लेकिन जब अंतिम समय में पूछा भैया चलोगी, लेकिन वही कहता है भैया तेरे साथ साथ में चलोगी। पिछले मीरा की एक भजन है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वास्तुआ मोलका दे मेरे सदा गुरु कृपा करे अपना पायो जी राम रतन धन पाय। ये भजन का आप जानते हो, मीरा कहती है अंतिम समय गुरु का नाम ही केवल साथ देता है, कहती है धन कैसे बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे दिन दिन बढ़त सवार। ये धन कोई नहीं ले सकते, चोर लेने वाले नहीं, लुटने वाले नहीं, फूटने वाले नहीं, ये धन केवल बढ़ती रहती है, ये धन कभी घटती नहीं, और यही धन ही अंतिम समय में हमारे साथ में जाने वाले, ठीक है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक दिन भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है, महाप्रभु बोले सबके घर में मैं खाना नहीं खाता हूँ, बोले किसको घर में खाने खाते हो, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब 1 लाख स्वर्णम और जिसको घर में हो, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्णम और हम तो कभी लखपति बन ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब हमारे घर में खाना ही नहीं खाओगे। फिर भगवान क्या समझाए, बोले देखो बच्चों असली लखपति कौन है जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं। इसलिए पूजा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए और माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए महाप्रभु बोले आप लोग देखे होंगे टीवी में भारत में आता था अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं हम लोग, वो बोलता था कौन करोड़पति बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति बोलते ना कौन बनेगा करोड़पति। इसलिए महाप्रभु कहते भैया कौन बनेगा लखपति, कौन लखपति बनना चाहते हैं। भक्त लोग बोले प्रभु हम लखपति बनना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु देखो लखपति कैसे बनेंगे, जैसे ये माला है ये माला में जैसे इसमें 108 मोती है, जैसे इसमें हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल इसमें 1 मोती सरकाते हैं फिर 2 मोती सरकाते हैं, इसमें 108 मोती है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे एक बार में 16 नाम हो जाता है, इसमें 108 मोती है। जब यहाँ पर समाप्त हो जाता है ना फिर इसको हम पार नहीं करते हैं, फिर इसे घुमा देते हैं दूसरे तरफ से, अगर इसे 16 माला हो गया तो 25,000 हो जाता है, अगर 64 माला कर लिया ना 1 लाख। भगवान खुद कहते हैं मतलब 1 लाख माला नहीं किया आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट में, भगवान खुद कहते हैं
बोले भैया ब्याज कितना मिलेगा? बोले दिन दिन बढ़त सब आयो पायो जी नहीं राम रतन धन। आज अगर 1 लाख किया ना, कल तुमको 1.25 लाख मिलेगी और 4 दिन में 2 लाख, 4 दिन में 2 लाख। ये धार इतने तेजी से ये धार बढ़ती है, ये धार कहते चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, ये धन को कोई नहीं ले सकता है। और अंतिम समय में हमारी साथ में पूरा के पूरा ब्याज समेत अगले जीवन में हमें यही धन मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग बताओ कौन सा स्त्री को ज्यादा पसंद करेंगे, कौन सा नंबर की? बोलो जोर से, चौथी नंबर को। देखो इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एक माला जप करेंगे, ठीक है। एक 5 मिनट लगेगा, उसके बाद आरती फिर प्रसाद लेकर के जाना चाहते साहब। हम सबके पास में माला है, किस किस को पास में माला है? बैठ करके माला, और जिनको पास में नहीं ये माला लो और जप करके बाद में वापस दे देना। जिनको पास में नहीं वही लोग ले लो और बाद में वापस। अब जब नाम जप करो ना, थोड़ी सी जोर से करना, ठीक है ना, क्योंकि सभी का नाम जब सभी का ताने में जाएगा, जैसे आप यहाँ समझा 50 भक्त लोग बैठे हैं, लेकिन माला तक एक करेंगी, लेकिन हमें 50 माला करने का समय नहीं है, क्योंकि सभी का आवाज सबकी कान में जाएगी, सभी का आवाज, इसलिए थोड़ी सी जोर जोर से सबके सब करना सबके साथ। ठीक है, जिनको पास में नहीं भी गया ना, अब लोग हमारे साथ में जप कर आपको फल मिल जाएगा, लेकिन सबके सब हरि नाम करना, क्योंकि जो लोग नाम लेंगे ना उनका पाप सर के ऊपर में उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसलिए क्योंकि सब लोग भगवान का नाम करना, मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम, इसलिए सबके सब हमारे साथ में आंख आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहार जी की चरण में हम बैठे हैं, वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में बैठ के हम ठाकुर का नाम जप कर रहे हैं। हाँ, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्त वृंद, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। पूरी हो गया ना माला? पूरी हो गई। देखो जिस घर में इतने सारे भक्त लोग बैठ कर कीर्तन करे, भगवान का जो नाम घर में घुसती है, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, घर का सारे दुख कष्ट पाप सब खत्म हो जाते हैं। देखो अब देखो जो लोग कुछ नए नए भक्त आए, आपसे प्रार्थना है, जैसे आपका घर में कोई बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, जैसे घर में शादी की सालगिरह मना रहे हो, घर में कोई भी चीज हो ना, हमारे प्रकाश प्रभु और अचिंत प्रभु जी यहाँ पर है,
आप अगर इनको बोलेंगे तो ये लोग आएंगे घर में कीर्तन करेंगे सत्संग करेंगे कीर्तन और वेद मंत्र से आपका बच्चे को फूल से मंत्र पढ़ करके आप अगर शादी की सालगिरह हो आप दोनों का आशीर्वाद देंगे बच्चों का आशीर्वाद देंगे तो क्या होगा बच्चों का कल्याण होगा घर में भी मंगल होगा नहीं तो अभी दुनिया में क्या होगा फिर शराब का बोतल तोड़वाएंगे मांस मछली उल्टा पुल्टा चीज खाएंगे पिएंगे फिर घर का अमंगल उसमें उठाएंगे ठीक है ना इसलिए आप लोग इन लोगों के साथ में संबंध रखो और आप लोग जरूर आओ सब बच्चों को भी लाओ फिर बच्चे धीरे धीरे संस्कार बनेंगे फिर बच्चे बच्चे गलत रास्ता पर नहीं जाएंगे घर में भगवान की भक्ति करेंगे तो घर भगवान की धाम बनेगा ठीक है बल्कि वृंदावन बिहारी लाल की सबके सब माला वापस दे दो हाँ जिसको इच्छा होगी माला जप करने के लिए हमारे अचित प्रभु और हमारे प्रकाश प्रभु ने आप इनको साथ में कंटेक्ट करने का दोस्तों तो आपको फिर माला मिलेगा कंठे मिलेगा सब कुछ मिलेगा हरे कृष्णा हाँ सब खड़े हो जाओ ठाकुर जी को आरती करने प्रभु जी ये आरती करेंगे प्रभु जी हाँ हाँ ठीक आरती फटाफट ले जाओ गौरव 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 आज इधर आ जाओ आरती इधर क्या करना ले शाम को रिकु दीदी और चंद्र प्रभु अभी नहीं है पर अगर किसी को शाम को आना हो तो शाम को 6 बजे कल प्रोग्राम है और संडे को एक प्रोग्राम है वेस्ट लेक में हमारे घर पे वहाँ पर 11 बजे से और फिर महाराष्ट्र 5 दिन के लिए वृंदावन जाएंगे फिर उसके नेक्स्ट सैटरडे को फिर आएंगे और सैटरडे इवनिंग को हमारे सेंटर आधारा में है वहाँ पर प्रोग्राम है आप किसी को अगर एड्रेस चाहिए तो हमसे हमसे मिल ले और यहाँ पर आपका पेन रखा हुआ है आगे अगर आपको हमारा ईमेल नहीं मिल रहा है तो आप अपना नाम या ईमेल हमें दे दें तो आपको रेगुलरली हमारे सारे प्रोग्राम का जानकारी मिलता रहे हमारे गुरुवर के नीचे लगभग